इंस्टॉल कैसे करेंगे, सभी को ध्यान रखना है पाइथन इंस्टॉल करना आना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है कि आप का विंडो 10 या इसके हायर वर्जन में हो। अगर आपका विंडो 7 में चल रहा है, 32 बिट में चल रहा है, तो ध्यान रखना पाइथन सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विंडोज के हायर वर्जन हमारे पास होने चाहिए। और आपको पाइथन इंस्टॉल करने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले गूगल में जाके आप पाइथन डाउनलोड करके लिखकर सीधे पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही पाइथन डाउनलोड लिखा गूगल में, आपको यहाँ पे दिख रहा है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट देखिए python.org। एक फ्रीवेयर है पाइथन, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप यहाँ से डाउनलोड पाइथन में क्लिक करेंगे और आपके सामने देखिए पाइथन का लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, पाइथन 3.12 ये आपको दिख रहा है। तो आप इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे क्या होगा, आपका पाइथन देखिए यहाँ पे डाउनलोड लग जाएगा। तो ये देखिए ये नाम दिखा रहा है, मैंने ड्राइव जैसे डी ड्राइव लेके रखा है, सेव कर दिया मैंने और यहाँ पे आपका पाइथन देखिए इंस्टॉल आपका डाउनलोड हो रहा है। जरा गौर करिएगा, इतनी बड़ी लैंग्वेज 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोड हो रहा है। इट मीन्स पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब छोटा लैंग्वेज है, इतनी जल्दी इसका सेटअप आ रहा है। आप कोई बड़े लैंग्वेज को अगर डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वो भी घंटों में लगा देता है, ये तो 1 मिनट के अंदर डाउनलोड आपका हो रहा है। ठीक है, तो पाइथन के डाउनलोड होने के बाद ये देखिए इसमें आपको लिखा भी हुआ 64 बिट यहाँ लिखा हुआ है, ये साफ कह रहा है कि मैं 64 बिट वाला। तो अगर आपका 32 बिट का हुआ है, पुराने जमाने का हुआ है, तो उसमें पाइथन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, 49 सेकंड्स अभी बचे हुए डाउनलोडिंग करने में, 42 52।